हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आई एम वीके सिंह कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल विच नेम इज एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एके सिंह। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रन द टॉपिक्स क्लास क्वेश्चन टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अब जो जिसको आपको जरूरत थी, अब हम लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब समझिए कि आपका ग्रामर का टॉपिक्स यहां से शुरू होने जा रहा है। जितने हमने टॉपिक्स पढ़ा दिया था, हमने उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन वर्णन कर दिया। अब उन टॉपिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ट्वेल्थ बोर्ड के लिए जरूरत है। पहला टॉपिक्स का नाम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का पहले क्वेश्चन होता है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग, आखिर क्वेश्चन टैग है क्या। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि हमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आता है बात, व्हाट इज क्वेश्चन टैग, आखिर क्वेश्चन टैग है क्या। तो क्वेश्चन का ही अर्थ होता है प्रश्न और टैग में से जोड़, अर्थात जब हम लोग प्रश्न को जोड़ देते हैं, दिए गए वाक्य में जब प्रश्न जोड़ देते हैं, तो होता है क्वेश्चन टैग। अर्थात इसका डेफिनेशन बोला जा रहा है कि व्हेन, जब वी ऐड, जब हम लोग जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को विद सब्जेक्ट कर्ता के साथ फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। लेकिन हम लोग जोड़ते हैं किसी कर्ता के साथ किसी प्रश्न को पूछने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक होता है कि एज ए सजेशन, एक सुझाव के रूप में हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे सुझाव मतलब तुम विद्यालय जाओगे, जाओगे ना, आज खाना खाओगे, खाओगे ना, या तुम YouTube पर हमारे चैनल को देखोगे, देखोगे ना। अर्थात एक सुझाव के रूप में, एक सहमति के रूप में, अर्थात जब किसी सहायक क्रिया को कर्ता से जोड़कर एक सहमति के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रश्न जोड़। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, तुम विद्यालय जाओगे ना, वह गांव नहीं जा रहा है ना, या मैं से बोल सकते हैं वह गांव नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तुम इस मैच को जीत सकते हो ना, या तुम इस मैच को जीत सकते हो ना। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आते हैं। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है सर, ये होगा क्वेश्चन टैग, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हर चीज के लिए रूल और रेगुलेशन होते हैं, इसका भी रूल है। लेकिन फिलहाल हम कुछ एग्जांपल्स को बताते रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए आपको तीन पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग को बताने के लिए आपको वो तीन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वो तीन बातें क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो तीन बातें हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग के लिए सहायक क्रिया को लिखते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। यह सहायक क्रिया कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सहायक क्रिया अफर्मेटिव भी हो सकता है और वो सहायक क्रिया नेगेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। अर्थात किसी भी सहायक क्रिया का जो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग में होता है वो यही होता है, हम ओ को साइलेंट करके उसके लिए ऊपर हम कोमा लगा देते हैं। यह होता है शॉर्ट सहायक क्रिया, अर्थात क्वेश्चन टैग के लिए। तो पहला हम काम करेंगे, सहायक क्रिया को लिखेंगे कंडीशन के अनुसार। इज है तो इज भी हो सकता है, इजंट भी हो सकता है, विल है तो विल भी हो सकता है, वोंट भी हो सकता है। हाँ, अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कहां पर विल होगा और कहां पर वोंट होगा, तो यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज अफर्मेटिव, तुम विद्यालय जाओगे। यहां तक हम बात करें तो तुम विद्यालय जाओगे, वह गांव नहीं जा रहा है, तुम इस मैच को जीत सकते हो, यहां तक एक कंप्लीट सेंटेंस है। हम इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे हम सिंपल अनुवाद बनाते हैं सिंपल अनुवाद को बना लेंगे। अर्थात तुम विद्यालय जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाओ, या वह गांव नहीं जा रहा, यहां तक की बात करेंगे। क्वेश्चन टैग ये मैटर है,
ये क्वेश्चन बैंक की बात है जो सहमति के रूप में उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात वह गांव नहीं जा रहा है, he is not going to school, he is not going to, अर्थात वह गांव नहीं जा रहा है, he is not going to village, या तुम इस मैच को जीत सकते हो, जीत सकते हो, इसका हो जाएगा यू कैन विन दिस मैच। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहला बात ये हम मेन सेंटेंस का अंग्रेजी लिख लेंगे अपने टेंस के नियम से, अपने जनरल रूप से। उसके बाद अब मैं डरता हूं क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, तो हमने यही बताया इसके लिए आपको मुख्य तीन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला बात आपको हेल्पिंग वर्ब जैसे आर हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो आर का बगैर तुम यहाँ पर विल है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए यहाँ का क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या लिखें, यहाँ के लिए हम क्या लिखें, विल लिखें या नेगेटिव फॉर वोंट लिखें, या दूसरा सेंटेंस में है इज, तो आपसे हम क्वेश्चन किया जाए किसके हम क्या लिखें, इज लिखें या इज अंड लिखें, बस यही पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन टैग का 70% पार्ट फिनिश। अर्थात अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे भाई आप बताइए हम क्या लिखें, इस सेंटेंस के लिए विल लिखें कि वोंट लिखें, जब इस रूप में लिखना पड़ेगा तो आर जब नहीं सर यहां पर विल नहीं होगा वोंट होगा, क्यों वोंट होगा, क्योंकि जो दिया गया वाक्य है इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात जब दिए गए वाक्य में नॉट रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात विल लिखते लेकिन जब नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात तुम विद्यालय जाओगे, जाओगे ना, यू विल गो टू अ स्कूल, वोंट वोंट, ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में हो जाएगा सब्जेक्ट लिखते हैं, अर्थात सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता ये बाहर से हमको नहीं लिखना है, दिए गए वाक्य से ही कर्ता को लिखना है। उसके बाद लास्ट में हर किसी के वाक्य में के अंत में कुछ ना कुछ चिन्ह होता है, इसके भी अंत में चिन्ह हम लिखेंगे वो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात इसका क्वेश्चन टाइप न का हम अंग्रेजी लिखेंगे, अर्थात तुम विद्यालय जाओगे यू विल गो टू स्कूल, जाओगे ना वोंट यू, क्वेश्चन टाइप कंप्लीट। वह गांव नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह गांव नहीं जा रहा है, इज नॉट गोइंग टू विलेज, नहीं जा रहा है ना, हम लिख देंगे इज ही, और तुम इस मैच को जीत सकते हो, यू कैन विन दिस मैच, जीत सकते हो ना, इसका हो जाएगा काम यू। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन टैग के बारे में यही बताया कि दिए गए वाक्य के अनुसार सबसे पहले हम सहायक क्रिया को लिखेंगे, अगर हमारा दिया गया वाक्य सकारात्मक है तो हम सहायक क्रिया की नेगेटिव फॉर्म को लिखेंगे, अगर हमारा दिया गया वाक्य नकारात्मक है तो हम सहायक क्रिया के अफर्मेटिव फॉर्म को लिखेंगे, जैसे इज नॉट है तो इज लिखेंगे, सिर्फ इज है तो इजंट लिखेंगे। दूसरा स्टेप आते हैं सब्जेक्ट, थोड़ा सा सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट में हम जब कभी भी लिखते हैं तो यकीनन दिए गए वाक्य के पर्सनल प्रोनाउन को ही लिखा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों को हमने लिखा दे, दिस चेयर कुर्सी के हमने लिखा दिस, या दिस दैट जो कुछ भी होता है जब उसको हम एक फिक्स सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं तो वही होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां पर कर्ता वाक्य के अनुसार भी हो सकता है और कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ सकता है, जैसे अगर वाक्य में यू है तो यू लिखेंगे, ही है तो ही लिखेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, लेकिन अगर दूसरा भी कर्ता दे दिया जाए जैसे दिस बॉय,
तो डियर स्टूडेंट्स दिस आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें इंपोर्टेंट कर्ता कौन है, दिस है या वह है, तो आप जवाब दीजिएगा कि हम नहीं सर इसमें दिस का कोई वैल्यू नहीं है कि हम बात कर रहे हैं लड़के की। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का कैसे, अर्थात लड़का जो है वो बॉय एक नाउन हुआ। आप बताते हैं नाउन में कौन सा नाउन हुआ, तो हम बॉय को बोलेंगे पुलिंग है, इसलिए इसके लिए ही पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह से अगर निर्जीव है तो इट लिखेंगे, कोई स्त्रीलिंग है तो स्त्री लिखेंगे, अर्थात हम कर्ता को लिखेंगे और हर स्थिति में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तो आपने ये समझा कि क्वेश्चन टैग है क्या, तो हमने बताया कि क्वेश्चन टैग यही होता है जब किसी भी सहायक क्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख करके जोड़ा जाता है और सामग्री के रूप में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन करेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको कैसे हैंडल करना पड़ेगा, तो एग्जाम में आपको इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं ही इज मैन, और बोलेगा कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप बनाइएगा ही इट्स मैंगो कोमा। अब आप कहिए सर इसमें कोई सहायक क्रिया की से हमारा तो नहीं है, लेकिन मैटर परजेंट इंडिफिनिट टेंस का है इसलिए इसमें सहायक क्रिया डज छिपा हुआ है, अर्थात इसका हो जाएगा डजंट ही। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है या इसका ऑप्शन ए भी दे सकता है, ही इट्स मैंगो का ऑप्शन नंबर ए दे सकता है, डू सी ऑप्शन नंबर बी, डस सी ऑप्शन नंबर सी, doesn't he ऑप्शन नंबर डी, doesn't he। आपके सामने क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है ए बी सी और डी, अब बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन को बनाने का सबसे पहले ऑप्शन को काटने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, डू सी। पहला बात इसका जो प्रोनाउन है वो ही है, इसका कर्ता कभी ही नहीं होगा, जब भी होगा इसका कर्ता सी नहीं होगा, जब भी होगा तो ही होगा। दूसरा बात सी के साथ कभी भी डू नहीं बल्कि डस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर रॉन्ग। उसके बाद हम बात करते हैं डज सी। डियर स्टूडेंट्स सही बात है, डज के साथ सी होगा और ये 100% क्वेश्चन सब कुछ सही है, लेकिन इसका प्रोनाउन ही है, इसका प्रोनाउन सी है। इस वाक्य के तरह से कितना रूप से गलती है, तो पहला बात यहाँ पर डज सी नहीं होगा भी तो डजंट सी होगा, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी डजंट ही, यह 100% सही है, पूरी तरह सही है, लेकिन इसके लास्ट में किसी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन पूरी तरह सही है और आंसर होगा डजंट ही। अगर ये दूसरा एग्जाम्पल होता He does not eat mango. He does not eat mango. He does not eat mango. इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो वाक्य दिया गया ये पूरी तरह से अफर्मेटिव है और ये जो वाक्य दिया गया ये पूरी तरह से नेगेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा ही डज नॉट ईट मैंगो, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डज ही, और क्वेश्चन मार्क जरूर देना डज ही प्लस। हाँ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो देखने में अफर्मेटिव लगते हैं,
परंतु उनका सेंस पूरी तरह से नेगेटिव होता है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं नाइदर या हार्डली स्कार्सली या नन नो वन नोबडी या फ्यू लिटिल एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड है। ये सब वर्ड एक वर्ड ही है लेकिन इसका क्वेश्चन जब भी बनेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। सका अर्थात ही हार्डली कम्स हियर डज ही नाइदर महेश नॉर सुरेश प्लेइंग बॉल नाइदर महेश नॉर सुरेश प्लेइंग बॉल। तो यहां पर हम फिक्स कर्ता बनेगा चलेंगे। उसके बाद अर्थात ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कहीं भी यदि वाक्य में कर दिया गया हो तो हम इनका क्वेश्चन टाइप अफर्मेटिव बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये समथिंग इंट्रोडक्शन रहा क्वेश्चन टैग का। इसको हम इसमें इंपोर्टेंट क्या होता है इसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कहां पर कर्ता क्या होगा और कहां पर कर्ता क्या होगा। तो हम कल के वीडियो में लेकर के आएंगे कि इसका मुख्य मुख्य रूल्स क्या है और कल के वीडियो में पूरा रूल्स का फिनिशिंग कर दिया जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जितना हमने जैसे भी क्वेश्चन टैग बनाया बताया आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और किताब होगा तो किताब से भी कुछ पढ़िएगा। और आज आपको हम ये स्टाफ लोग आपके ग्रुप में सेंड करेंगे और उस स्टाफ लोग को हम बनाएंगे आप मिला भी लीजिएगा समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन टैग बनाया जा रहा है। थैंक्स स्टूडेंट्स इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए हमारा हर वीडियो को देखते रहिए किसी भी वीडियो को छोड़िए मत क्योंकि अगर आप रोज पर डे रूटीन की तरह वीडियोस को मन से देखते रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सारे के सारे ग्रामर्स को घर बैठे इस लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में भी आराम से पढ़ सकते हैं। और हाँ अंत में हम बोलेंगे कि भाई देखिए हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब पर एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC ये चैनल है। आपको अगर हमारी वीडियो सचमुच में अच्छा लगा हो तो उस पर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। दैट्स लास्ट अगर आप हमारी बातों को वैल्यू देते हैं समझते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर लुकिंग माई वीडियो। दैट्स लास्ट।